नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का चार क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन सीरीज दी हुई है 121, 112, क्वेश्चन मार्क 97, 91, 86, ठीक है। तो सीरीज क्या घटती हुई है, तो क्या करते हैं, देखिए 121, 112 बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो मल्टीपल, बहुत बड़ा डिफरेंस होता तो मल्टीपल पे चलते, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इसका मतलब हम डिफरेंस ही चेक करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस इसका चेक करते, 121 और 112 का जो डिफरेंस होता -9 का डिफरेंस होता, ठीक है, -9 का डिफरेंस है, ठीक है। 112 और क्वेश्चन मार्क इसका हमें पता नहीं है, डिफरेंस छोड़ देते हैं, इसका भी हमें नहीं पता है नंबर, तो छोड़ देते हैं। अब इसका 97 और 91 का जो डिफरेंस होता, 97 और 91 का डिफरेंस होता -6 का होता, ठीक है, -6। और 86 और 91 का डिफरेंस होता 86, 94, 91, -5 का, ठीक है, -5 का डिफरेंस होता। सीरीज में हो क्या रहा, देखिए दो स्थान हमें खाली है, ठीक है, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, तो 5 6 यहाँ पे करते 5 6 7 8, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 आएगा माइनस का, यहाँ पे -7 आएगा, ठीक है। तो अच्छा, -12 में से -8 निकालते हैं, तो 8 4 12 -104, 104 होता, 104 में से 107 निकालते तो कितना होता 97, इसका मतलब है यहाँ पे आएगा क्या 104, जो सीरीज को पूरा करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा क्वेश्चन सीरीज दी हुई है 6 9 15 27, क्वेश्चन मार्क 99, ठीक है। तो इस सीरीज में सबसे पहले क्या करते हैं, जो सीरीज दी हुई है 6 9 वाली, इसमें क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस भी नहीं हो रहा है, डेढ़ गुना हो रहा है, ठीक है, डेढ़ गुना ना करके डिफरेंस पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं, तो डिफरेंस जो आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है, प्लस का 3 आ रहा है, ठीक है। अब 9 और 15 का जो डिफरेंस आ रहा है, 9 और 15 का डिफरेंस कितना आ रहा है, +6 का आ रहा है, ठीक है। 15 और 27 का जो डिफरेंस आ रहा है, 15 और 27 का डिफरेंस +12 का आएगा, ठीक है। इसका डिफरेंस मालूम नहीं है हमें, छोड़ देते हैं, और इसका भी डिफरेंस हमें मालूम नहीं है। तो डिफरेंस हम सबसे पहले देखते हो क्या रहा, 3 से 6 हुआ, 6 से 12 हुआ, मतलब है 3 का 2 गुना 6, 6 का 2 गुना 12, तो 12 का 2 गुना क्या होगा, +24 होगा, ठीक है, और 24 का 2 गुना क्या होगा, 48 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, 27 में हम 24 जोड़ते हैं, 7 4 11 कि 1 और 2 2 4 1 5, 51 होता, ठीक है। 51 में हम 48 जोड़ देते, देखिए यार आ गया 8 1 9 5 4 9 99 हो रहा, मतलब भरा क्या जाएगा यहाँ पे 51, जो इस सीरीज को पूरा करेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, सीरीज दी हुई है 4 7 12, क्वेश्चन मार्क 28 39, ठीक है। इसका मतलब इस सीरीज में हो क्या रहा, देखिए सीरीज बढ़ती हुई है, तो सीरीज जब बढ़ रही है इसका मतलब है कि देखिए 2 गुना नहीं है, 2 गुने से कुछ कम है, मगर इसका देखिए 2 गुने से भी कम है, 1 कम था, ये 7 2 14, ठीक है, 2 कम है। सबसे पहले क्या करते, नहीं पता होता तो डिफरेंस चेक कर लेते, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता तो, ठीक है। तो इसमें कितने का, +3 का डिफरेंस है, इसमें कितना, 7 5 12 +5 का डिफरेंस है, ठीक है, इसका हमें मालूम नहीं है, छोड़ देते हैं। अब कुछ इसका भी हमें नहीं पता, छोड़ देते हैं, मगर 39 और इसका डिफरेंस पता करते तो कितना आता, 1, ठीक है, 1 +11 का डिफरेंस है, +11, देखिए इसमें डिफरेंस है, वो कह रहा है यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 28 है, ठीक है, 11 है, फिर 5 है, फिर 7 है, यहाँ पे 11 9 करते और यहाँ पे 7 करते, 2 का डिफरेंस है, इसीलिए कर रहे हैं, 2 का डिफरेंस है, देखिए 3 2 5, 2 7 करते यहाँ पे और 7 2 9 करते, यहाँ पे 11, 2 का डिफरेंस है, जोड़ के देखते हैं यहाँ पे, तो 12
12 में हम 7 जोड़ते हैं कितना, 12 12 7 कितना होता, 19। ठीक है, 12 7 19, ठीक है। 19 में हम 9 जोड़ते हैं, 9 9 18, 1 1 2 28, इसका मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 19, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सीरीज लिखी हुई है 83 82 81, क्वेश्चन मार्क 69 60 33। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंस चेक कर लीजिएगा। डिफरेंस चेक करते कितना आता है, माइनस का एक आ रहा है, इसके बीच में भी माइनस का एक ही डिफरेंस आ रहा है, इसका हमें मालूम नहीं है, छोड़ देते हैं। इसका हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस भी नहीं माला मालूम है, छोड़ देते हैं। 69 और इसका डिफरेंस पता है, माइनस का 9 हो रहा है, ठीक है, और इसके बीच का 60 और 33 का डिफरेंस जो आएगा, माइनस का 27 आएगा। माइनस 27 को देखिए, ये अब डिफरेंस से पता करना होगा। माइनस 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक है। 9 को हम लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब हो रहा है टोटल नंबर कितने गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 7, ठीक है, तो ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे बन क्या रहा है कि यहाँ पे बना स्क्वायर, यहाँ पे बना क्यूब, तो इसका मतलब पहला वाला नंबर जो होगा स्क्वायर बनेगा, मतलब 1 का स्क्वायर करा जाएगा एक ही आएगा, और 1 का क्यूब करा जाएगा तो एक ही आएगा। ठीक है, तो अगले वाले देखिए, यहाँ पे अभी तक 1 1 का हुआ, यहाँ पे 3 3 का हुआ, तो इसका मतलब ये 2 बच्चे हैं, इनमें क्या होगा, 2 का होगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे होगा और 2 का क्यूब होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, मगर माइनस होता जा रहा है घटती हुई सीरीज, तो यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 8, तो 81 में से हम 4 निकाल देते तो कितना आता, 81 में से 4 लेस कर देते, 11 में से 4 गया 7, ठीक है, 7 77 आता, ठीक है, यहाँ पे 77 आता, और 77 में से 8 निकाल देते तो क्या था, 69 आता, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है।